साफ था, इतना एटीट्यूड, इतना रूड वो लड़की, मेरे को इतना गुस्सा आ गया। भगवान का बेला लगन होते तो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है रेस्टोरेंट के अंदर से, क्योंकि टाइम नहीं मिला वीडियो स्टार्ट करने के लिए। और हम आए हैं अभी यहाँ पे थक थकाली मछलियों का टीला पे, ऐसा है थक थकाली बज चुका है 12। और हम आए खाना खाने के, हमें पता अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ खाजा सेट भी तो होगा। तो आज यहाँ पे इलेक्शन, पता नहीं बाहर तो सारा बंद है, इधर इधर खुला हुआ है थोड़ा थोड़ा एम टी के अंदर साइड पे। और हम डायरेक्ट वोट करना, हाँ आकर फ्रेश होकर आ गए खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने। इसके बाद हम जाएंगे अपने काम के लिए, अपना थोड़ा सा काम है, एक दो घंटे का कुछ काम है, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर फ्लाइट का टिकट भी नहीं किया अभी तक हमने दुबई जाने के लिए, पहले अपना काम ख़त्म करते हैं फिर जाके टिकट करते हैं। काम होगा कि नहीं पता, नहीं होगा नहीं पता आज। तो अभी तक यहाँ पे खाना भी रेडी नहीं हुआ है, हम ज़्यादा ही जल्दी आ गए। पुई 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 या मेरा जिंजर हनी लेमन टी पीगा आप? पीना जा पी लो, मैं चाय को कैसे पी गया देखो चम्मच से, बहुत गर्म है। अच्छा एक बार पी के देखो, मैंने पी लिया, फ्रेश हो जाएगा बुत्तू ना, नहीं हो सकता खाना खाए पहले, खाना खा के फ्रेश होगा बोलता आदमी, दे ना कल रात से कुछ नहीं आया बेचारा। ऑर्डर किया था ये चूरा विथ मिरा, चूरा और चिकन सेकुआ, अचार, चटनी, आलू का चटनी, ये मेरा है। मैं ट्राई कर रही हूँ, नींबू नहीं चढ़ गया। ये चिकन थाली, ये ट्राई करेगा फर्स्ट, थोड़ा सा झोलू यार, बहुत साल बाद चूड़ा खा रहे हैं, साल खाकर निकल गए। अभी हम जा रहे हैं अपने काम से, आज कुछ नया ट्राई किया था मैंने खाने के लिए, अच्छा लगा था आपको? पर वो मीट थोड़ा सा वो हो गया, चला हुआ रोस्टेड नहीं होगा आज तो, नहीं है क्योंकि आज है इलेक्शन, यहाँ पे चुनाव चल रहा है आज, इसीलिए ट्रैफिक नहीं है। अच्छा है ट्रैफिक नहीं आज। हम आ गए थे रूम, अपना काम थोड़ा सा ख़त्म करके, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप है, तो बाहर निकल ही नहीं सकते। तो हम आए फिर रेस्ट किया हमने, अभी थोड़ा सा पता नहीं अभी 5 बज चुका है, बट फिर भी अभी भी स्टिल बाहर इतना गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि कोई आग का गोला फेंक रहा है, ऐसा फील हो रहा है, सांस भी अच्छे से नहीं ले पाता है भाई, इतना गर्मी ज़्यादा है दिल्ली में। पता नहीं क्या है, सिलीगुड़ी में भी इतना गर्मी नहीं है जितना दिल्ली में गर्मी है। बाप रे क्या होगा, क्या होगा दिल्ली के, दिल्ली के दिल वालों इतना गर्मी में। सो अभी हम बाहर से आकर फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, अभी हम फिर से वापस जा रहे हैं, फिर से काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक भी, क्योंकि गर्मी इतना था कि बाप रे नहीं हो पाएगा मेरे से। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं वापस, अभी देखते अभी थोड़ा शाम हो गया तो शायद थोड़ा सा कम हो गर्मी, अभी जाके अपना काम ख़त्म करते हैं। पहले क्या कुछ खाएगा, पहले कुछ खाते हैं उसके बाद जाते हैं। चलो भाई साहब कुछ खाते हैं फिर चलते हैं अपना काम करने के लिए। अभी तक हमारा फ्लाइट का टिकट कंफर्म भी नहीं हुआ है क्योंकि काम ही ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक इधर का ही, तो जैसे ख़त्म होते हैं फिर हम अपना फ्लाइट करेंगे, फिर जाएंगे ऑफ टू दुबई। तो अभी हम चलते बाहर, मेरा दूसरा वाला फ़ोन
चलो तो हम आ गए इधर लासा कैफे पे। क्या लेना है ना? ऑर्डर किया है ये हक्का नूडल्स एंड मोमोज मोमोज और ये हमारा जूस। धूप है, ये धूप कब का है खत्म नहीं होता है भाई। हमने अपना मोमो चाउमीन खा लिया, अब हम जा रहे हैं अपने काम के लिए, लेकिन अभी तक धूप खत्म नहीं हुआ है। बैठो ऑटो में बैठो। सुनो हम बैठ गए ऑटो में, ऐसा हवा आ रहा है, गर्म हवा, इतना गर्म हवा आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक हो गया ना, तब नहीं था सुबह, अभी हो रहा है ट्रैफिक। उते पहुंच गए चांदनी चौक, ये है चांदनी चौक का गुरुद्वारा। मैंने बोला चलते चलते हम चांदनी चौक पहुंच गए, चलते चलते नहीं ऑटो में आ गए हम चांदनी चौक, चांदनी चौक टू चाइना। रबड़ी ना, पानी ले लो। ये क्या है? ये कुछ लिया हमने रबड़ी वाला, पता नहीं क्या है ये, ट्राई करके देखते हैं। पानी जोड़ दिया, पानी भी जोड़ दिया। एक तो आपने वो लिया ट्राई हो गया रबड़ी। हाँ, और ये क्या लग रहा है देख के हमको? खा के देखो तो अच्छा है, मीठा हमसे भी नहीं खाएगा। आप ही जाओ, आपको अच्छा लगता है। पानी पी लिया बहुत है, पानी काफी है मेरे लिए। चलो इनसे यही कपड़ा पहन रहे, खुशबू आ रही है और भी। सो हैव एवरीवन, सेम ब्लॉग नेक्स्ट डे। तो कल कितने बजे आए थे हम लोग? कल तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि किस देख रही थी और के परफ्यूम खत्म हो गया, मेरा परफ्यूम इतना कम हो गया देखो ना। आप लाल चीज यूज करते हैं, दिखाओ तो असली का भी फूल है यार, कैसे है? सो कल हमारा काम थोड़ा सा बाकी था, कल नहीं हो पाया और वीडियो भी कंटिन्यू नहीं हुआ क्योंकि मेरा हो गया था बैटरी लो दोनों फ़ोन का। और फिर अभी हम जा रहे हैं जो बाकी काम है वो करने, पहले हम करते हैं सबसे पहले बाथरूम का स्लीपर पहन के जा रहे हैं, सबसे हम पहले करते हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि अभी बज रहे हैं 9 बज गए ना, 8:54 हो चुका है। अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम जाते हैं जल्दी से सीपी, हमारा काम है, उसके बाद आके पैकिंग भी करना है क्योंकि हमारा है शाम का फ्लाइट दुबई के लिए। और कल हमें ये खरीदना पड़ा फिर से एक ट्रॉली नया, सेम बट डिफरेंट, ये खरीदना पड़ा क्योंकि हमारा सामान इतना ज़्यादा हो गया कि ये दो ट्रॉली में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी हमारा सामान इतना, जब हम घर से आए थे बागडोगरा से तब भी हमारा 7 kg 6 kg ज़्यादा हो गया था, बट अच्छा था कि वो इंसान ने पैसा नहीं लिया पैसा ले रहा था मीन्स माँ, उसने बोला कि 3000 कुछ हो गया है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमने बोला ठीक है, कैश तो नहीं है, कार्ड से पेमेंट करते थे, जैसे कार्ड दिया तो उसका कार्ड मशीन नहीं चला, उनका कार्ड मशीन नहीं चला और पीछे बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था, तो उन्होंने बोला कि फिर तो रहने दो, ऐसा कर दो, फिर पैसा देना नहीं पड़ा, बच गया नहीं तो इतना ज़्यादा पे करना पड़ता था। तो अभी तो कुछ नहीं, अब तो इंटरनेशनल है, अभी तो हमारा 30 kg है, बट फिर भी हमारे ये दो लगेज में सामान नहीं आया, इतना ज़्यादा सामान है, अचार घी और मेरा घी पिघल गया, मेल्ट हो गया पूरा, मेरे ट्रॉली में लग गया। और मम्मी ने भी लेकर आया था यहाँ से इतना डब्बा भरा अचार देहरादून से, तो ये सब हम पैक करके डालना है अच्छे से। अभी जल्दी से हम चलते हैं, फर्स्ट ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपना काम निपटाते हैं, फिर आकर पैकिंग भी करना है, जल्दी जल्दी निकलना भी एयरपोर्ट के लिए। चलो 3 दिन से यही कपड़ा में घूम रहे, यही कपड़ा में, और बोल रहे कि एयरपोर्ट भी ऐसे ही जाएंगे यही कपड़ा में, गंदा आदमी है। अब चाय, नमक चाय, आपका दूध चाय इतना बड़ा कप में। हमारा ब्रेकफास्ट रोटी आलू दम अंडा चटनी, चलो अब खाते हैं। सो हम पहुंच गए थे रूम अपना काम करके, बट हमने रूम चेंज कर लिया
क्योंकि चल यार लेट हो गया, आपका गाड़ी रुक सकता है, डॉक्टर आओ, हमें रूम चेंज करना पड़ा क्योंकि जिस होटल पे हम बैठ रहे थे उन्होंने बोला कि 12 बजे चेकआउट करो, फिर हमने बोला कि हमारा फ्लाइट लेट है शाम को है तो हम 1 बजे तक एक्स्ट्रा पैसा भी देने के लिए हमने बोला था, बट वहाँ पर जो स्टाफ था इतना एटीट्यूड इतना रूड, वो लड़की मेरे को इतना गुस्सा आया देख कर, फिर हमें चेकआउट करना पड़ा, फिर हम आ गए दूसरे होटल पर बस 2 घंटे के लिए जाने खाना खाने, हमने सामान भी नीचे रखा हुआ है रूम पर लिया भी नहीं, इधर आ जाओ, इधर बैठो, खाली इधर का रूम, इधर कोई नहीं है, बस मैं और आप लंच डेट पे जाने के लिए होटल लिया ना 1 घंटे के लिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, बस 1 बज गया और हमका हमारा फ्लाइट है 5:40 का, हमें जल्दी निकलना है, हमने 1 घंटे के लिए रूम लिया, मुझे इतना गुस्सा आया वो वाला होटल का वो स्टाफ को देख के अभी भी इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं इतना हमने इतना रिक्वेस्ट किया कोई बात नहीं आप पूरा दिन का ही ले लो, पैसा जितना भी होता है पूरा दिन का जितना था रेंट वो ले लो, बस हम 1 बजे तक या 1:30 तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि सामान इतना सारा पैकिंग करना था, सामान पूरा फैला हुआ था, पैकिंग भी नहीं किया था, और हम बाहर से आते आते हमारा 12 बज चुका था, लेट हो गया था, इतना बोला फिर उसने इतना बात घुमाया ना, उसने डबल बात करते वो लड़की, बाप रे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर देख के, फिर हम यहाँ आ गए दूसरे रूम पर, हम जल्दी से खाना खा के थोड़ा, आपको क्या करना है, फ्रेश होना है, मुँह सुन धोना है, मैंने तो बोला था मसाला चला जाओ बोल के, फिर वह टाइम लगेगा होगा, तो मैं तो ना इतना जल्दी जल्दी पैकिंग करके मैं तो फ्रेश भी हो गया, मुँह भी धोली, क्रीम स्ट्रीम लगा के जल्दी जल्दी निकल गया वही होटल से, बट हमारे सर जी को लेना था क्योंकि हमारे पास इतना 3 ट्रॉली हो गया, हमारे पास इतना भारी भारी था तो लेना ही पड़ा, चिकन झोल मोमो आ गया है, कटोरी मोमो का साइज भी ठीक है एकदम, ना बड़ा ना छोटा है एकदम साइज, खाना एक बार कपड़े चेंज कर लो नहीं तो नहीं करेंगे, उधर सुन डालो, तो हम खाना वाना भी खाकर अब रूम पे आते हैं, फिर फ्रेश भी होकर हम फ्रेश तो मैं तो हो गया था ऑलरेडी, हमारे सर जी फ्रेश हो गए, मुँह धो लिया, सेविंग वेविंग कर लिया, अब हम जाएंगे, अभी हम जाएंगे एयरपोर्ट की ओर, ओला ओला कर दो, साथ में बोला वो स्टाफ बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और एक बात मेरे को समझ में नहीं आया, उसने वो लड़की ने हमसे 5% एक्स्ट्रा भी लिया जबकि लेना नहीं चाहिए था उसको, है कि नहीं, है कि नहीं बोलो, क्योंकि ओला फोन दे यार, वो मेरा फोन से करो लो, क्योंकि हमने उसको ऑनलाइन पे किया था, तो हम यहाँ पे हमने एमटी पे हम कितना होटल पे रहे, फिर हम कुछ भी सामान खरीदते या फिर हम कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते कहीं भी जाते खाने के लिए, तो हम ऑनलाइन ही पे करते, तो उन लोगों ने कभी हमसे 5% एक्स्ट्रा तो नहीं मांगा, बट फर्स्ट टाइम आज उस होटल वाला ने वो लॉजिंग वाला ने हम ऑनलाइन पेमेंट किया हमने, उसने बोला कि 5% एक्स्ट्रा लगेगा, फिर मैंने पूछा अब 5% क्यों लगेगा एक्स्ट्रा, अगर जब हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हाँ कोई बात नहीं दे भी देगा 5% एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कार्ड से अगर हम पे करते तो कोई कोई ले लेते 5% एक्स्ट्रा, कोई कोई लेते सब आके बहुत लोग नहीं लेते, कोई कोई ले लेते, बट हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों दें एक्स्ट्रा, उस टाइम को ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे को ना ज़्यादा बात करने का मन भी नहीं कर रहा था, मैंने बोला ठीक है ले लो ले लो, उसने क्या रिप्लाई दिया पता है, मैंने बोला क्यों, मैंने पूछा क्यों, उसने क्या रिप्लाई दिया कि ये तो आप ऑनर से ही जाके पूछ लो, बात करने का तरीका स्टाफ लोग का बात करने का तरीका ऐसा होता है, इतना गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने ज़्यादा बात भी नहीं किया, फिर मैंने बोला दे दो रख लो 5% जो भी एक्स्ट्रा रख लो, अच्छा नहीं बिल्कुल भी, लॉजिंग का नाम है क्या था ले ड्रैगन हाउस, वो मैं आज मेरा एकदम
फर्स्ट एंड लास्ट विजिट था उसके बाद, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊँगी वहाँ पे। एंड मैंने गूगल पे रिव्यू भी देखा, उसका रिव्यू भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत लोग ने रिव्यू अच्छा नहीं दिया हुआ है उस पर, और मैं भी डालने वाली हूँ रिव्यू जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप लोग भी अच्छा लगा अगर आप लोग मछली का टिकलाते हो। पहुँच गए एयरपोर्ट एंड हमारा अपना लगेज रैपिंग करवा रहे हैं क्योंकि ये लगेज नया है, स्क्रेच नहीं आना चाहिए इसमें। पर लगेज 600। हेलो, नाम देखो बोला तो क्या लिख रहे थे ना, ये क्या था, ये नाम है क्या, मुझे पता नहीं क्या ये कौन सा तो मिट जाता है, ऐसे क्या नाम होते, अभी मिट जाएगा ना, थोड़ा रखना था ना, क्यों मिटा दिया, थोड़ा सूखना पड़ेगा ना। वाह 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 वाह, तो हम बाकी में भी करवा रहे हैं। हो गए हमारा, तीनों करवा दिया, कहीं नहीं जाएगा मेरा बिना। मैंने बोला पानी जूस लेकर आओ, उधर जाके बोलते नहीं जाएगा, अकेला तो जाएगी। खाओ खाओ और खाओ और खाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो। हाँ देखा झाला कर रहे, अभी कैमरा ऑन नहीं किया उन्होंने, से ना खुद बना खा देना ना। सो हमारा इमिग्रेशन भी हो गया, अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम है। लो 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 जी जी, ने तब से बोला था जब टाइम था हमारे पास, हमने बोला चलो कुछ खा लेते हैं, और अभी हगन का बेला लगन हो गया, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, पर मोमो लेने जाना पड़ता है इंसान को। अब ये मैम को दौड़ा रहे, गेट नंबर भी कहाँ है पता नहीं, दौड़ा दौड़ो टाइम हो गया 5:00, 15 मिनट में बोर्डिंग क्लोज हो जाएगा, और जल्दी दौड़ो। मैंने बोला उस टाइम को ना, उस टाइम को 40 मिनट्स था हम लोग पास टाइम, तभी बोला था हमने चलो कुछ खा लेने जाएंगे, नहीं नहीं टाइम है अभी नहीं। और अभी जब बोर्डिंग स्टार्ट हो गया बोलते मोमो खा लें, मोमो लेने गया लेकिन घर लेके आया, लेकिन गेट नंबर बहुत आगे है, 8 नंबर दौड़ना पड़ रहा है फ्लाइट में। एयरपोर्ट के अंदर बैठ कर भी हम अपना फ्लाइट मिस करने वाले थे, बाय बाय इंडिया। होम, घर पहुंच गए हम फाइनली अपना घर। कौन सा फ्लोर था वो भी भूल गया, अपना घर भी भूल गया। घी का कहाँ से आ रहा है, घी तो गिरा है इधर देखो, कुछ तेल तेल लग रहा है।